उत्तराखंड के जोशी मठ में पैदा हुआ संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। यहाँ कुछ घरों में नई दरारें दिखाई पड़ रही हैं। डैमेज हुए होटलों और घरों को चिन्हित कर लिया गया है। अब उसे विशेषज्ञों की निगरानी में गिराने का काम शुरू किया गया। बता दें कि जोशी मठ में क्षतिग्रस्त निर्माण को गिराने का काम प्रशासन द्वारा चालू कर दिया गया है। अब तक 686 इमारतों में दरार आने की खबर है। साथ ही 81 परिवारों को नजदीकी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित लोगों के लिए 15 नामित स्थानों को राहत शिविरों के रूप में चिन्हित किया गया है। माउंट व्यू और मलारी इन नाम के दो होटल अगले आदेश तक बंद हैं, क्योंकि उनके बीच का अंतर कम बताया जा रहा है और यहां होटलों के बाहर दरार पड़ गई है। जोशीमठ के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने वहां के प्रोजेक्ट्स पर स्टे लगा दिया है। क्षेत्र में एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ के तहत सभी परियोजनाएं बंद हैं। बीआरओ हेलंग बाईपास निर्माण कार्य को भी बंद कर दिया गया है। साथ ही जोशीमठ में सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दिया गया है। जोशीमठ औली रोपवे पर भी स्टे है। राज्य सरकार ने जोशीमठ को 3 जोन में बांटने का फैसला किया है। ये जोन डेंजर, बफर और सेफ जोन होंगे। जोन के आधार पर शहर के मकानों को चिन्हित किया जाएगा। डेंजर जोन में ऐसे मकान होंगे जो ज्यादा जर्जर हैं और रहने लायक नहीं है, ऐसे मकानों को मैन्युअली गिराया जाएगा। जबकि सेफ जोन में वैसे घर होंगे जिनमें हल्की दरारें हैं और जिसके टूटने की आशंका बेहद कम है। वहीं बफर जोन में वो मकान होंगे जिनमें हल्की दरारें हैं लेकिन दरारों के बढ़ने का खतरा है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चमोली के नंबर 01372251437 1077 9068187120 और 7055753124 पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। ये नंबर टोल फ्री है।